तो क्या WWE वाले जॉन सीना की फुल रिटर्न के ऊपर ब्लड लाइन के साथ में उनका फिर से फ्यूड करवा सकते हैं? ऐसे मैं क्यों कह रहा हूँ, तो पॉसिबिलिटी आई है सामने, उसके बारे में बात करेंगे। अब क्या जजमेंट डे फाइनली एंड होने वाली है? ऐसा मैंने नहीं बल्कि रिया रिपली ने एंड इवन WWE ने खुद ब खुद टीज कर डाला है। बात हम लोग अंकल हाउडी के बारे में भी करेंगे, बिकॉज रिसेंटली मंडे नाइट रॉ के अंदर कुछ ऐसा हुआ है जिससे फैंस क्या बिलीव है, भैया ये तो अंकल हाउडी का टीज था। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। रियली सॉरी, मैं एक दो दिन से ज्यादा कुछ वीडियोज डाल नहीं पा रहा हूँ और ऊपर से बेटाइम वीडियो डाल रहा हूँ मैं, बस कल से मेरे हिसाब से मैं एक बार फिर से बैक ऑन ट्रैक आ जाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल इस वीडियो के अंदर जितने भी अपडेट्स हैं चलो जल्दी से डिस्कस करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। वीडियो को मैं शुरू करने वाला हूं द चैंप हु रन्स द कैंप द फेस हु रन्स द प्लेस पुपुरुपू, यानी कि जॉन सीना के साथ में। एंड क्या जो जॉन सीना है वो WWE के अंदर कम बैक कर रहे हैं फुल टाइम वाला, तो ब्लड लाइन के साथ में उनकी राइवलरी फिर से चालू हो सकती है। उसका रीजन ये है जिमी उसो की रिटर्न जो कि अगले हफ्ते होगी और अचानक से जॉन सीना का फुल टाइम बन जाना। देखो हुआ क्या रीसेंट टाइम में, जो स्पेकुलेशन में से कहूंगा, कोई रिपोर्ट एसेच नहीं है, लेकिन स्पेकुलेशन का मानना यह है कि जॉन सीना जिस तरीके से फुल टाइम शेड्यूल के अंदर वापस आ रहे हैं और जिमी उसो एक लौते हुए सुपरस्टार है जो कि ब्लड लाइन को रिप्रेजेंट करने वाले हैं या फिर जो ब्लड लाइन की सेगा कंटिन्यू करेंगे, साथ में पॉल हेमन वगैरह ऑफकोर्स होंगे, लेकिन जो मेन स्टूडियो किसके अराउंड थे, जिमी जे एंड रोमन। अब यहां रोमन और जे तो गायब है, ठीक है, जे उसो को क्विट कर चुके हैं WWE, ऐसा एंगल ऑलरेडी WWE दिखा चुकी है। एंड ऑफकोर्स रोमन रेंज इज करेंटली ऑन वेकेशन और वो अपने इंजरी वगैरह से भी रिकवर कर रहे हैं, तो जिमी का एंगल WWE को बढ़ाने के लिए ऑफकोर्स कोई एक मेजर अट्रैक्शन या फिर मेगा चीज की जरूरत पड़ेगी। तो पॉसिबली जो पूरा सीना का शेड्यूल है ना वो फास्ट लेन प्रीमियम लाइव इवेंट तक है, इवन फास्ट लेन से जो पहले वाला गो होम एडिशन होगा वहां पे भी जॉन सीना एडवर्टाइज किए जा रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी ऐसी भी हो सकती है कि जिमी उसो जॉन सीना का फ्यूड हो जाए और इस वाले फ्यूड के अंदर या फिर इस वाले मैच के अंदर जो कि फास्ट लेन के अंदर होगा यहां पर जिमी उसो कम बैक कर ले, क्योंकि सीना आया मतलब एक फुल फ्लेज्ड फ्यूड होगा और ब्लड लाइन की सेगा को अगर तुम्हें अलाइव रखना या फिर उसकी हाइप मेंटेन रखनी विदाउट जे उसो एंड रोमन रेंस, सो आई डोंट थिंक सो जॉन सीना से अच्छा तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन रहने वाला है। बाकी इसको लेकर तुम्हारा क्या ओपिनियन है शेयर कर देना कमेंट सेक्शन में। इसके बाद वाली अपडेट इस बार जजमेंट डे के बारे में जुड़ी, और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि जो जजमेंट डे का ब्रेक है या फिर WWE इनका जो सेपरेशन करने वाले वो कंपनी ने खुद ब खुद टीज कर डाला है। अगर तुमने रिसेंटली रॉ का एडिशन देखा होगा वहां पर WWE ने चैंपियनशिप मैच कंफर्म की है जो कि केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन वर्सेस फिन बैलर एंड डेमियन प्रीस्ट के बीच होगा। अब रिया रिप्ली ने इस मैच के कंफर्मेशन के बाद एक बैक स्टेज के ऊपर चीज रिवील की कि अगर इस मैच के अंदर जजमेंट डे हारती है तो कॉन्सिक्वेंस किसी एक को तो झेलना पड़ेगा, चाहे वो फिन बैलर हो चाहे वो हो डेमियन प्रीस्ट, क्योंकि करेंटली जजमेंट डे सिर्फ डोमिनिक मिस्टीरियो और रिया रिप्ली चला रहे हैं। अब यहां पर ट्विस्ट प्लॉट वाली बात यह है कि केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन आर ऑलरेडी सेट टू डिफेंड देयर चैंपियनशिप इन इंडिया जहां पर वो इंडस शेयर के खिलाफ फेस करेंगे। और तुम लोग जानते हो जनरली WWE का जो फॉर्मूला वो क्या होता है प्रीमियम लाइव इवेंट्स के लिए, इट्स हील वर्सेस बेबी फेस स्पेशली चैंपियनशिप फ्यूड्स के अंदर। तो जजमेंट डे के जीती और इंडस शेयर तो ऑलरेडी हील है, तो हील वर्सेस हील तो WWE स्पेशली इंडिया के अंदर मैच करवाने से रहे जहां पर हीरो और विलन वाला ज्यादा कॉन्सेप्ट चलता है। सो इसीलिए जो हमारे केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन है प्रोबेबली ये बात स्पॉइल्ड है ऑलरेडी कि वो चैंपियनशिप रिटेन करेंगे। दिस मीन्स कि कॉन्सिक्वेंस सहने पड़ेंगे फिन बैलर को या फिर डेमियन प्रीस्ट को, जो कि अल्टीमेटली जजमेंट डे के ब्रेक डाउन की तरफ लीड करने वाला है। बाकी लेट्स सी आने वाले टाइम के अंदर क्या होता है, मुझे ये लगा अचानक से बातें मेरे दिमाग में क्लिक हुई तो तुम लोगों को बतानी चाहिए कि तुम्हारे हिसाब से भी जजमेंट डे पूरे तरीके से अलग होने वाली, अपना ओपिनियन तुम लोग बताना कमेंट सेक्शन में। अब JD मैकडोगना की एंट्री हो रही है तो कोई एक तो जाएगा, अब वो मैकडोगना है बर्गर या जो भी है। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, इस बार अंकल हाउडी के बारे में जुड़ी है। हाँ मैं अंकल हाउडी के बारे में वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, बट रिसेंट टाइम के अंदर जो मंडे नाइट रॉ का एडिशन था वहां पर एक ऐसी चीज है जिससे फैंस का बिलीव है। अगर तुम ट्विटर के ऊपर जाके भी चेक करोगे, मनगढ़ंत कहानी बिल्कुल नहीं बना रहा हूं, ये एक्चुअल में फैंस का ऐसा बिलीव है। एक फोटो तुम लोग देख पा रहे होगे, ये डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर के बैक स्टेज सेगमेंट की है। अगर तुम बैकग्राउंड के अंदर ढंग से देख पा रहे हो वहां पर अंकल हाउडी की एक मर्च तुम्हें देखने के लिए मिलेगी। अब यहां बड़ी बात यह है कि ट्रिब्यूट शो तो ब्रेव हार्ट को लेकर था, लेकिन यहां पर अंकल हाउडी का जो ये पूरा सबटल WWE ने दिया या फिर एक तरह का पोटेंशियल हिंट दिया है, मे बी देखो इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहली चीज ये हो सकती है कि मे बी ये जो चीज है ब्रेव हार्ट की ट्रिब्यूट के लिए की गई, क्योंकि अल्टीमेटली जो अंकल हाउडी है वो उनकी ही क्रिएशन थी, वो उनका ही थॉट प्रोसेस था। और दूसरी चीज है कि मे बी एक्चुअल चीज है कि अंकल हाउडी स्टिल अलाइव है एंड मे बी वो कम बैक कर सकता है ब्रेव हार्ट की बाकी जो स्टोरी उसको कंटिन्यू करने के लिए कंपनी के अंदर। मैं फिलहाल कोई ऐसा दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये कुछ हिंट्स है जो कि मुझे लगा तुम लोग को बताने चाहिए। तुम्हारे हिसाब से कंपनी क्या कर सकती है, WWE का अगला मूव क्या हो सकता है, कि अंकल हाउडी कम बैक कर सकते हैं या फिर नहीं, इस वाले हिंट के बाद तुम्हारा क्या ओपिनियन है जरूर शेयर कर देना एक बार कॉमेंट सेक्शन में। एंड चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है इस वाली वीडियो को नीचे लाइक करो, एंड साथ ही में जो लोग चैनल
चैनल के ऊपर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी कर दो ऑन। मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।